जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज़। गुरुग्राम में जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिल रहे भारी जनसमर्थन के कारण से आज उन्होंने एक जनसभा का कार्यक्रम किया रेल विहार कॉलोनी के अंदर। रेलवे कॉलोनी जो कि गुरुग्राम में बसई ग्राम के नज़दीक थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उन्हें समर्थन दिया। जनता ने कहा कि उनकी कॉलोनी अवैध होने के कारण से यहाँ पर आए दिन उनके सर पे बुलडोजर का खतरा मंडराता रहता है, जिसके बारे में बोलते हुए यहाँ जेजेपी उम्मीदवार एडवोकेट सुरेंद्र यादव ने कहा कि आने वाले समय में कोई भी बुलडोजर इस कॉलोनी के अंदर नहीं आ पाएगा। उन्होंने कहा कि साथ ही इस कॉलोनी के जो लोग हैं उनका यदि कोई भी सामाजिक केस होता है तो हाईकोर्ट में वह फ्री में उनका केस लड़ेंगे। देखिए हमारी ये खास खबर, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। यादव जी, आज आप रेलवे कॉलोनी यहाँ बसई में आए हैं, जो कि ये अवैध कॉलोनी बताई जाती है, उसके बावजूद भी आप यहाँ करके वोट की डिमांड कर रहे हैं, क्या कहेंगे लोगों के लिए और कैसा जन समर्थन, कैसा जनजनी का प्यार मिल रहा है? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ 1947 में, जब हिंदुस्तान की जनसंख्या सिर्फ 40 करोड़ थी और आज हिंदुस्तान की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो जो 100 करोड़ लोग हैं और ना लाल डोरा बढ़ा है, तो ये 100 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे? इनको भी तो घर चाहिए ना, रोटी कपड़ा और मकान मूलभूत आवश्यकता है हर व्यक्ति की, तो ये आवश्यकता हम खत्म नहीं कर सकते। और कोई कॉलोनी अवैध नहीं होती, कोई कॉलोनी कच्ची नहीं होती, ये नेताओं के चौतले हैं, इन चौतलों को हम खत्म करेंगे। जब हमारी सरकार आएगी सारी कॉलोनी वैध हैं और सब कॉलोनियों को पक्की कर देंगे और सब कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं, बिजली पानी की व्यवस्था करेंगे और कॉलोनी और गांव में 24 घंटे बिजली देने का प्रावधान करेंगे। इस कॉलोनी में अक्सर लोगों को कच्ची कॉलोनी के रहते हुए बुलडोजर का डर सताता रहता है, उसके लिए लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, आपने बहुत बढ़िया बात कही है। ये बेचारे लोग बड़ी मुश्किल से एक एक रुपया इकट्ठा करके अपनी रोटी कम खा के, अपने बच्चों को कपड़े कम पहना के अपना घर बनाते हैं और सरकार बुलडोजर लेके पहुंच जाती है। एक बार मुझे बताओ, किसी नेता का घर तोड़ के दिखाओ या किसी अधिकारी का घर तोड़ के दिखाओ या DTP अपना घर तोड़ के दिखाए, जब उसको पता चले कि घर टूटने का दुख क्या होता है। तो मैं जब विधायक बनूंगा, ये भाई मुझे पूरे कॉलोनी के रेलवे कॉलोनी वासी अपने भाई सुरेंद्र यादव को विधायक बनाएंगे। उसके बाद अगर किसी कॉलोनी में बुलडोजर चला भी जाए तो ये मेरा वादा है, वो बुलडोजर वहीं से वापस नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप अपने संबोधन में ये भी लोगों से कह रहे थे कि कोई केस भी होगा तो वो भी आप झेलेंगे, आप एडवोकेट हैं। हाँ, इन भाइयों का कोई भी केस, जो सामाजिक केस, पर्सनल की मैं बात नहीं करूँगा, पर्सनल में अगर ये कोई गलत क्राइम करके आते हैं और बोलते हैं कि जी मेरे को बचाओ, तो मैं नहीं बचाऊँगा। लेकिन जो सामाजिक केस हैं या बिल्कुल केस ऐसा है कि बिल्कुल उसके साथ नजायज हो रहा है, तो मैं वो केस फ्री में लड़ूंगा। और सामाजिक केस इनके जो भी हैं, किसी भी नोटिस का कोई भी है, वो मैं फ्री में लड़ूंगा। जैसे कि आप जानते हैं, इस समय जो जनता ज्यादा त्रस्त है वो प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी को लेकर के है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जनता को बेवकूफ बनाने के लिए और लोगों को, विचारों को भ्रष्टाचार में फंसाने के लिए, गरीब लोग जाते हैं, उनको पता ही नहीं, अंग्रेजी में लिख दिया एक प्रॉपर्टी आईडी, एक फैमिली आईडी। बहुत लोग हिंदुस्तान में अनपढ़ हैं, उन लोगों को पता ही नहीं है क्या चीज़ है। वो किसी को 1,000 रुपये दे रहे हैं, 2,000 रुपये दे रहे हैं और ये प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी बनवा रहे हैं। तो जैसे ही हमारी सरकार आएगी, भाई दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे, पहली कलम से ये प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी खत्म करेंगे हम। कोई जरूरत नहीं है इन प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी की। डायरेक्ट जाके अपनी रजिस्ट्री कराओ, डायरेक्ट जाके अपना राशन लो, हम पहले वाला राशन कार्ड दोबारा लागू कर देंगे।